हेलो फ्रेंड्स, कि आपकी गाड़ी का भी ऐसे ही टायर जाम हो जाता है कि गाड़ी को आगे करते हैं और गाड़ी आगे जाती है लेकिन टायर नहीं घूमता पीछे वाला, जैसे कि हैंड ब्रेक लगी हो। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादातर ये बारिशों के दिनों में ऐसे होता है, देखें कि टायर गाड़ी आगे जा रही लेकिन टायर मूव नहीं हो रहा। तो इस तरह की कंप्लेंट हमारे पास बहुत आती है, तो इसको रिमूव करने के लिए कैसे इसको खोलना है टायर को, ये छोटी सी वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब आप घर में होते हो तो आपके पास ना तो उसके टूल वगैरह होते हैं जो वर्कशॉप में इजीली मिल जाते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि टायर खोलने के लिए एक जैक रॉड पाना होगा, और जैक जो होता है वो कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, इसकी पूरी जो है डिटेल हमने इस वीडियो में दे दी है। तो आप देखें कि हम इसको जो गाड़ी में सामान होता है हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया, तो कैसे कैसे इसको लगाना है और कहाँ लगाना है पूरी सेफ्टी के साथ। करना क्या है कि जैसे कि आपने पिछले चक्के टायर खोलने हैं तो आगे वाले टायर के दोनों तरफ ईट लगा के टायर को बांध लेना है, क्योंकि जो हैंड ब्रेक है उसको डाउन रखेंगे बिकॉज़ के टायर जो है आपका वो जाम है। तो अच्छे से इसको टायर को बांध के आप जैक को जो है वो लगा लो। जैक लगाने के बाद इसको आराम से, जैसे स्टिपनी बदलते हैं गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए तो स्टिपर भी सेम टू सेम ऐसे ही बदलनी होती है आपने, तो आराम से टायर को निकाल लेना है। टायर निकालने के बाद इसको थोड़ा मुश्किल होता है, कई बार टायर जो है जाम होता है, तो उसको बड़े प्यार से पीछे से रिम पे चोट लगा के आराम से खोलना है। ये पूरी वीडियो आप देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ब्लॉक टायर हो जाता है तो उसको खोलना कैसे है। ज़्यादातर ये बारिशों के दिनों में ही ऐसा होता है सेम टू सेम, क्योंकि बारिशों के दिनों में क्या होता है कि आप गाड़ी चला के घर में खड़ी कर देते हो हैंड ब्रेक लगा के, और जब सुबह आपने गाड़ी जब ऑफिस वगैरह जाना होता है तो आप क्या करते हो कि हैंड ब्रेक डाउन करते हो, गाड़ी को मूव करते हो, लेकिन जो टायर है वो पिछला जाम होता है, तो आप उसे आपको उससे बहुत परेशानी होती है। अब इसको हम कैसे खोलें, अब ये टायर जो है वो सेंटर से पूरा जाम है, तो इसको निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगी हमको। ये टायर तो हमने इसको प्यार से पीछे से चोट लगा के खोल दिया। ये देखो, तो हमने इसको कुछ नहीं किया, आराम से खोला है। खोलने के बाद एक हथौड़ी लिया है, हथौड़ी लेके इसके ऊपर जोर से इसको सट्टा मार दे हाँ, जैसे ये थोड़ी से पटकेंगे तो क्या होगा कि अंदर से जो लेदर की पकड़ है वो छोड़ देगा, और जो हैंड ब्रेक की जो वायर है इसको हल्का सा हिला दो आप, ताकि जो उसकी पकड़ है वो छोड़ दे। तो ऐसे आपका अपना गाड़ी का जो टायर है, दो चार दिन गाड़ी नहीं चलाते लेदर पकड़ कर जाते अंदर, फिर टायर घसीटते हैं, जो टायर घसीटते निशान भी तुम दिखा देना इतने, हाँ देखो ये टायर घसीटन के सामने निशान आए हुए हैं। तो ऐसा टायर घसीटता सीगा ये गड्डी नूं, आपां उधर भी टायर घसीटन का निशान नीचे तुहानूं साफ साफ दिखाई दे रहा है पोजिशन से। तो दोनों चक्के जिहड़े आ जाम सीगे, ते आपां इधरला चक्का तां खोल दिता, हुण उधरला चक्का खोलना आ। सो आपां घरे इस तरह जैक लगाउण दा तरीका सब तो वधिया इही हैगा कि जैक इस तरीके नाल लगाउणा कि कट दे विच चंगी तरह बैठा होवे, थल्ले आपां इट तां लगा जिहदी वी जो कट चकना पऊगा। सैकिंडली पूरी सेफ्टी नाल चकना, गड्डी अगे ना जावे पिछे ना जावे, दोनों टायरां नूं बन्ह लैणा अगे चंगी तरह इटा ला के। तो ये चीज़ें ध्यान रख के बंदा गड्डी नूं, आपां टायर भी स्टिपनी चेंज करनी होवे तां भी ये चीज़ें ध्यान रखना पऊगा, जैक लाउण दा, बाकी टायर जाम हुंदा तां आपां ये थ्योरी वर्त सकदे आ सिर्फ। आपां हथौड़ी नाल मूव करांगे तां लैदर जिहड़ी पकड़ आ उह छड्ड दूगा। दूजी साइड दा वी जैक स्टॉपर च लगा के चक्का पूरा जाम है, झटका भी नहीं दे सकते, झटका देवे तो यह गड्डी डिगन का डर होंगे, क्योंकि जैक जो लूज होंगे प्यार जिन्हें कटना पैना आपको सेंटर पॉइंट टायर है। तो ये हैंड ब्रेक जी है इन्ना काम हो हैंड ब्रेक जी जाम जो हो जाती है, तो आप इनू धक्का मार दी
ਆ ਰਹੀ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜੋ ਕਿ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੈਦਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਹੀ ਹੈ।